ज्यादा नहीं भर सकते, इतने में ही नहा लीजिए। भले हमारे माथे में साबुन सूख जाए, लेकिन तुम्हारी तुलसी महारानी को पानी कम नहीं पड़ना चाहिए। मेरी तुलसी को 4 बाल्टी पानी नहीं लगता नहाने के लिए। हाँ, अगले जन्म में मैं भी तुलसी ही बनूं। रोज रोज ये हिमालय चढ़ना जरूरी है क्या? आपको भी रोज रोज यही यही कहना जरूरी है क्या? चलिए तैयार हो जाइए, कुड्डू से मिलने जाना। दवाई रख लेना। क्या फायदा दवाई का, लगा लगा के परेशान हो गई कुछ। और जो प्याज है ना, प्याज तो 150 रुपए किलो हो गया। अरे तुम काम की बात करो ना, वहां तक का कितना लोगे? अरे जो दे देना, जो पिछली बार दिए थे। 30 रुपया। 50 मास्टर जी। 40। अरे 40 ठीक है भाई, 40 दे देना। चलो बैठो बाद। अरे अब चलो ना भैया। चलिए बैठ। छोड़ो आप। और भाभी जी, आपके घुटने का दर्द कैसा है? अरे तू आगे देख, भाभी के घुटने देख रहा है। क्या कर रहे हो? अरे तेज नहीं चला रहा। अरे मैं तो तेज ही चल रहा हूँ, मुझे कौन सा घुटने में दर्द हो रहा है? आज गुड्डू से ना साफ साफ बात कर लेना। अरे अपने बेटे से नहीं बात करोगे तो किससे करोगे? अरे आराम से फिर दर्द होगा। जाओ बैठो तुम वहाँ। हाँ? बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग अंकल जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। ये लो, ये जरा लगाओ यार। हाँ दीजिए। रवि आए? नहीं। बात जरूर करना आज। प्रणाम माँ। प्रणाम पापा। हाँ प्रणाम, ठीक तो हो ना? क्या हाल है भाई? रात के 11 बजे क्या चलेगा पापा, और आप लोगों को यही टाइम मिलता है कॉल करने के लिए? अरे नहीं, मम्मी के घुटने का दर्द बढ़ गया है। मतलब हर चीज में टाइम लगता है ना। मतलब हर बात का एक्सक्यूज है आप लोग के पास, है ना? उम्र के साथ घुटनों का दर्द ही बढ़ेगा ना, और पापा इसका इलाज ना अमेरिका में भी नहीं होता है। अब अगर इलाज होता भी ना तो क्या करते अमेरिका की, कहां से आते? एक बात बताइए, ये हर हफ्ते हर बार आप लोग स्काइप पे क्यों कॉल करते हैं? फोन पे भी तो कॉल कर सकते है ना। फोन पे दिखते नहीं हो ना तुम, यहाँ तो देख सकते है ना। वो देखो अरिका, अरिका हेलो, देखो दादू, दादू देखो दादू। अरे धीरे बोलो ना, हेलो हेलो। ठीक तो सुनाई दे, दूर है ना बहुत। मम्मी कहाँ है इसकी? मम्मी, ये रही मम्मी। प्रेजेंटेशन तुम बना लो। माँ कल उसका ऑफिस में प्रेजेंटेशन है, उसका काम कर रही है। अच्छा अच्छा, अब दिवाली पे आ रहे हो ना? नहीं माँ, टाइम नहीं है। 6 साल से गए हो वहाँ पे। जब भी कहती हूँ बोलते हो टाइम नहीं है। अपने मम्मी पापा के लिए टाइम निकालो ना थोड़ा। हाँ भाई हाँ। देखो इसको भी तो पता चले हमारा यहाँ पे घर है, अच्छी अच्छी कचौरी खिलाएंगे। आपको पता है इंडिया जाने का यहाँ से टिकट का प्राइस कितना है? दिवाकर प्लीज इसे देखो, संभालो इसे। हाँ मेरे बच्चा, बात करो ना। देखो बेटा। अरे पापा, ये एरिका बहुत इरिटेट हो रही है, मैं कॉल करता हूँ आपको। बताइए, एरिका मिश्रा नाम रख दिया, ये नाम होता है एरिका मिश्रा, ये नाम है? आपको बात करनी चाहिए थी।
हॉल देखा था वहाँ का, अरिका मिश्रा रो रही है और मैं बात कर रहा हूँ बेटा बेटा। अरे कर लेगा फोन, चलिए। ऐसा अरिका इतना बुरा नाम भी नहीं है। अरिका मिश्रा बोलो। हवाई जहाज। हवाई जहाज। और तुम क्या लिखे हो? हवाई, हवाई होता है ना, आ की मात्रा होती है ना, लिखो। पौधे दिखाई दिए। तभी अचानक उसे पानी की छपक आवाज सुनाई दी। अरे प्यार मत दिखाओ, भेजो इसको। जा। आने का वक्त है ये कोई? गुरुजी सॉरी, पापा ने मार्केट भेज दिया था। तुम और तुम्हारे पापा बर्बाद कर देंगे तुमको। बैठो, मैथ का किताब निकालो। बड़ी माँ हम चले मंदिर आपके साथ। कोई जरूरत नहीं है, इसको काम है बहुत सारा। तुम निकालो किताब निकालो। 15 × 2 = 30 लिखो ना यहाँ पर। मैं पेंसिल लाना भूल गई। पेंसिल लाना भूल गई। फिर बच गया, देखो। मैं क्यों चिंता कर रहा हूँ, मेरे पास तो बिल्ली है, अब दिखाऊंगा इस चूहे को। हम बिल्ली नहीं नैना है। हम बिल्ली नहीं नैना है। जा बिल्ली, होमवर्क कर, होमवर्क कर, चलो चलो। युवक की लाश मिलने की खबर फोटो सहित छपी। ये खबर थाना मलवाड़ा के ही गांव भिदौड़ा। थाना प्रभारी गंजन से दिन जब लाश की फोटो दिखाई तो वो फोटो देख के रोने लगी। उन्होंने बताया कि लाश उनके बेटे सोनू की है। लाश के शिनाख्त होने पर थाना बैंक जा रहा हूँ, कुछ चाहिए? आटा खत्म हो गया। बंद कर लेना। पागल है के चार चक्कर लगाऊंगा बाइक पे? तेरे बाप का नौकर बैठा हूँ, लोडिंग भेज देता ना कोई, हद है यार तेरी। अरे अंकल मॉर्निंग। मॉर्निंग। कहाँ सुबह सुबह? यूं ही पास में। पास में किधर? बैंक जा रहा हूँ। बैंक? बैंक सही है, फिर तो मॉर्निंग आपकी गुडी है। आओ मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं मैं चला जाऊंगा पास में। बच्चा किस दिन काम आएगा आपका? आओ ना बैठो, आओ आओ बैठो। अब इनका क्या करोगे? अंकल जी एक बात बोले, अच्छे दिन तो आपके आ गए, बैंक भी जा रहे हैं, पैसे भी डॉलर में आ रहे हैं, सही है। लेकिन एक बात, पासपोर्ट तो हमने भी अप्लाई कर दिया है, जल्दी आ जाएगा। गुड्डू भैया से बात कीजिए ना। अबे अमेरिका जाके करेगा क्या भाई, जो यहाँ करते हैं। एंड मिस्टर शंभुनाथ मिश्रा, यहाँ पूरे ग्वालियर को पहना दिए हैं, वहाँ पर ट्रंप को पहना देंगे। वैसे गुड्डू भैया को भेजने में कितने पैसे लग गए थे आपके? खर्चा पता चल जाए ना, पापा को फोन करके कह दूंगा कि भैया एफ डी तोड़वा लो, तो फिर शादी भी हो जाएगी, वहीं पर शादी करनी है। बस बस अंकल जी पहुंच गए हम, अपना यहीं तक था। यहीं तक? हाँ हाँ उतरी उतरी है। अपना यहीं तक था, आपका बैंक यहीं है, यहीं पर जाइए। ये दो डब्बे ना वहाँ तक छोड़ दीजिएगा, चौरसिया भवन के बगल में रजनी टेक्सटाइल है ना, वहाँ पे छोड़ दीजिएगा, कह देना बिट्टू ने भिजवाए थे। जाइए।
इस बार ज्यादा ही काट लिया आपने। हम कहाँ काट रहे हैं, सिस्टम काट रहा है और आजकल तो सबका काट रहा है। और फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे क्यों लिया था लोन? फॉर्मेलिटी पूरी होते ही 2-3 दिन में आपका लोन पास हो जाएगा, ठीक है? काफी होशियार बच्चा आपका। अरे सर प्लीज देखिए ना, थोड़ा ज्यादा की जरूरत थी। दिवाकर, जो हो सकता है वही बता रहे हैं। वैसे भी पंडित जी, कहाँ आप लड़के को अमेरिका वामेरिका भेज रहे हैं? अपने देश में भी तो सब कुछ है आजकल। सुनिए, आप अपना काम कीजिए ना, हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है देख लेंगे हम, ठीक है? वैसे भी आपके बोर्ड पे लिखा है ना ये, स्टडी नाउ एंड पे लेटर, रीपे कर देंगे हम आपको, नहीं तो पापा की एफडी है ना आप लोग के पास। दिवाकर बाबू, ये पोस्टर ना ऊपर से बनकर आता है और कुछ गलत हो जाए ना तो गर्दन हमारी पकड़ी जाती है, और आजकल मदद उनकी की जाती है जिनको मदद की जरूरत ना हो। अरे सुन, 3 किलो दे, 3 किलो। ठीक है ठीक है। आप क्यों आए, फोन कर देते, लट्टू को भेज देता ना मैं। अरे नहीं, लट्टू को पढ़ाओ तुम, इन चीजों पर ध्यान मत दो, समझ गए? नमस्ते। ये क्या, क्या है ये? अरे ये चूहा मारने की मशीन है। ये क्या ले आए आप? पूजा पाठ वाले घर में जीव हत्या का पाप लगवाइएगा। पहले वाला ठीक था, पकड़ा और चुपचाप बाहर छोड़ा है। अच्छा, अरे क्या कह रही हो तुम, छोड़ आए फिर बाहर से अंदर आ जाए, बदमाश होते, इनको मारना जरूरी है। आप इसे एक तरफ रखिए, हटाइए। कुछ भी अच्छा, सब्जी वाले में फेंक दिया आपने, हटाइए ना उसको, रखिए उधर। मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोस रही हूँ, साबुन से हाथ धोइएगा। हाँ धो लूंगा मैं। तुम लोग की बस यही परेशानी है, कोई साइंस नहीं, बस हाथ मुंह धो लीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए पूरी। कौन है? पैरचो, पैर पैरचो, कौन है? पैरचो ने दो, अरे बेटी जैसी है। चलो रोटी मिलेगी। चिकन है? हमारे यहाँ कोई मांस नहीं बनता। अरे बनता तो हमारे यहाँ पे भी नहीं है, इसीलिए बनवा के लाए। परोसने में भी परेशानी है। जाओ प्लेट और ग्लास लेकर आओ। नहीं नहीं, मैं ले आता। पिएगी? नहीं। क्या है? $2,000 कम है।
5-6 दिन बाद दे दूंगा बाकी के। कहे क्या? मास्टर जी, ब्याज ना टाइम पे दिया करो। हाँ, हमारे भी खर्चे हैं। है? मम्मी, ये कट्टो कट करने पे भी ना 25 लाख बन रहे। 25 लाख तो बहुत ज्यादा है बेटा, ये कहाँ से लाएंगे तुम्हारे पापा? हाँ तो फिर ये 10 लाख रुपए लेके भी क्या करेंगे? इसे तो 6 महीना भी नहीं चलेगा मेरा। हाँ तो कोई बात नहीं ना, मैं भी अपनी जिंदगी निकाल लूंगा इनकी तरह, ये बाल्टी से कूलर में पानी भर भर के। इतना कर सकते हैं, कर रहे हैं ना तुम्हारे पापा? नहीं कर रहे ना मम्मी, पूरी जिंदगी ना गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करी है मैंने, बिना कोचिंग किए हुए इंजीनियरिंग करी है, वो भी अपने दम पे। और अब जब सच में कुछ करने का वक्त है ना, तभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। कर तो रहे हैं बेटा, 10 लाख दिलवा तो रहे, लेकिन तुमको चाहिए 25 लाख। कहाँ से लाएं 15 लाख? बेच जाएं, घर गिरवी रखवा दें, बोलो। सब कर रहे हैं ना पापा, और आप क्यों चिंता करते हैं? मैं बैठा हूँ ना यहाँ चुकाने के लिए। देख रही है, गणित की बात कर रहे हैं आपके लाल, और लगाइए तेल। देख लीजिए, सर्दी की रात और चंबल का बीहड़,
बड़ी ठंड होती वहां पे, बड़ी ठंड। तीन डाकू सामने से और हम निहत्ते। आप निहत्ते क्यों गए? अबे भाई ये बात तो हमारे डिपार्टमेंट ने ना पूछी, तुम तो पत्थरी कूटो समझे। तो हमारे पास थी माचिस, आग लगा दी, फिर क्या था, तीनों डाकू आए और आके हाथ तापने लगे, बस इतना टाइम काफी था सीधा राम के लिए। साहब अंदर वेट कर रहे हैं। अरे साहब अंदर वेट कर रहे हैं। साहब एक बात पूछूं, ये आदमी डाकू बनता क्यों है? रुक तेरी माँ की जो मैं बताता हूँ। अरे बाबू साहब वेट कर रहे हैं अंदर, अंदर वेट कर रहे हैं। आप क्यों गए? मैं आ जाता एक दो दिन में। कम है गिन लीजिए। गिन लिए? जिस हिसाब से तेरे धंधे बढ़ रहे हैं ना, उस हिसाब से तो कम है। सिर्फ आपको ही देना पड़ता, और भी लोगों को देना पड़ता है। शराब, रंडी, भड़ुआगिरी, हवाला, सब तू शक्ति सिंह के इलाके में करता, बाकी जगह तूने बहन भी आई। माँ बहन भी क्यों जा रहे हो? दादा को क्या जवाब देंगे? मेरा नाम ले लेना, सवाल ही नहीं करेगा। धीरे धीरे धीरे, ओ हड्डियां, अरे ओ मैं चुप रहा है। रोज रोज 50 सीढ़ियां चढ़वाता है आपका भगवान अपने दर्शन के लिए। अरे उन्हीं की कृपा है, तभी तो ऐसे घुटनों के साथ इतना चढ़ पाती हूँ, कोई और हो तो एक कदम ना उठा पाए। इतना ही कृपा निधान है आपका भगवान, तो कहिए कभी नीचे आके दर्शन दे दे। तो अब आप हमारे भगवान जी की भी परीक्षा लेंगे मास्टर जी? वो तो हमारी ले रहा है ना। हाँ गुड्डू, पापा से बात कर ले, ले गुड्डू गुड्डू। हाँ गुड्डू। हेलो, क्या हुआ? हेलो, हाँ पापा, जल्दी बोलिए, मिस कॉल क्यों दिया? कौन? बात करो ना। अच्छा कल 5,000 रुपए डाल देंगे, अभी रखते हैं। क्या बोला? क्या बोला? कल 5,000 रुपये डलवा रहा आपका बेटा, क्या कीजिएगा इतने पैसे का? आइसक्रीम खाना? अभी आ रहा हूँ। दो, ये हो गया 2,000 ब्याज, ठीक है।
ये 500 रुपये रख लो। हम बिल्कुल कायदे वाले इंसान हैं, उस दिन आपका रूम यूज़ किया था ना उसके लिए। ऐसे क्या दिख रहे हैं, होटल में भी इतना देते हैं, समझ गए? धक्का लगाइए, गाड़ी नहीं चल रही। ये देखिए हमारी बिटिया है, देखिए हमारी बेटी है, इसके सामने माँ बहन करें तुम्हारे? चलो धक्का लगा। चलो चलो ये तो ज्यादा अच्छा है। मामला घर पे था तो तुम्हारा था, सड़क पे है तो हमारा है। साहब हम तो कहते हैं हवाई निकाल देते हैं। निकलिए, निकल गई। जामे कुटुम समाए। निकलो, बच्ची है तो आराम से, कह रहा हूं। आइए पंडित जी। कुछ उल्टा सीधा करे तो बताइएगा जी। ठीक है, ओके। ये वाला कितने का है? और 550। ये वाला, ये 700 का है, एग्जॉटिक फूल। ये छोटे वाले कितने के हैं? ये सब छोटे छोटे, ये 70। नाम लिख दोगे इसके? चार घर छोड़ के हमारे यहाँ नहीं पैदा हो सकती थी। सही कह रही हो तुम, बेटी होती ना तो बात ही कुछ और होती। आपने मेरा बर्थडे कभी नहीं मनाया। अच्छा, तारीख ही नहीं मालूम है जन्मदिन का तो कैसे? तारीख बना लो कोई ऐसी, कोई भी। चलो
बिल्ली और तुम्हारा बर्थडे एक ही दिन होगा। हैप्पी बर्थडे छोटी बिल्ली बड़ी बिल्ली। भाई साहब आप एक प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे ना जो आपने बताई थी। हाँ दिखवा देते। भाई साहब कहाँ गए थे आपका फोन भी नहीं लग रहा था। अरे फोन यार चार्ज बंद हो गया। अब पिछवाड़े में डाल के फोन चार्ज करूँ क्या? ये ले चार्ज करके ला। जी वो दादा आए थे बहुत देर रुके थे यहाँ आपको पूछ रहे थे और बहुत गुस्से में लग रहे थे भाई साहब। अपना फोन दो। हेलो दादा वो फोन चार्ज बंद हो गया था। कर लेता उसी लुगाई के घर पे चार्ज जा सुबह से लेके शाम तक पड़ा रहता है। अरे पूछ लो शर्मा से हिसाब कर रहे थे। सारा हिसाब ना डाल दूंगा तेरे और शर्मा के अंदर। शाम को ना इंस्पेक्टर आ गया था घर पे क्योंकि तेरा फोन बंद था। दादा वो है हरामी थोड़ा। चार आदमियों के सामने ना गलत बोल कर गया। मुझे समझ नहीं आता तुझे क्यों पाल रहा हूँ। पांडे दोबारा आना नहीं चाहिए वो यहाँ पर। नहीं आएगा। कुछ करा है मैंने जुगाड़ करा है होता है तो बताता हूँ आपको। हाँ अच्छा प्रणाम। रिवीजन वाले क्वेश्चन बाकी है तुम्हारे सारे। सारी प्रॉपर्टी में ये वाली प्रॉपर्टी इनकी है। 100 साल से टिकी हुई है। मौके की प्रॉपर्टी है भाई। उधर बेडरूम है। ठीक है ये देख। पांडे ये मेरा घर। जी 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 दोहर पेंट के मरवाएगा ना चमकने लगेगी। चल जा बाइक पे जाके बैठ मैं आता हूँ। चुका तो रहा हूँ धीरे धीरे। कब तक चुकाएंगे? निकलते क्यों नहीं इस झंझट से? आप भी खुश और हम भी खुश। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं भाई। मेरे पास भी कुछ नहीं है इसके अलावा। गुरुजी हो गया। नैना तुम जाओ। नैना जाओ जल्दी। इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? नैना। बहुत बढ़िया। लो। अरे कुछ नहीं कहेंगे मास्टर जी ये लो। बाय अंकल। खाली करो इसे। खाली करो इसे। पैक कर लो इसे। सर मास्टर जी कंप्लेन कराने आए आप हमारी।
हमें बोल देते हैं, अच्छे से लिखिएगा कंप्लेन। बैठे बैठे कही। ये घर आया था मेरे यहां कल शाम में। अगर कर्जा लिया तो घर आएगा ना पंडित जी। असॉल्ट किया इस शहर में इतना क्राइम है, उसको देखें या तुम्हारे पैसे का लेन देन सुलटाएं? लीजिए पानी पीजिए। देखिए आप एक काम कीजिए, कहीं से जुगाड़ करके इसका पैसा लौटा दीजिए, बड़ा हरामी आदमी है। चल रहा था ना, पुलिस के पास क्यों गए? चलो खड़े हो, खड़े हो, ग्लास लेकर आओ। चलो चलो ग्लास लेकर आओ। बस देखो जब चाहे बाहर निकाल दूंगा। कौन बचाएगा तुम्हें? तेरा वो लौंडा आएगा बचाने तेरे को? अच्छा आदमी हूं मैं, अच्छा आदमी हूं। ब्याज में से तुम्हारा
चार महीने का ब्याज माफ कर दूंगा और मूल में से 1.5 लाख रुपए और मकान बिकेगा ना तो 2-5 ऊपर। आंटी मंदिर गई है ना, आरती करके आती हैं पूरी, 1.5 घंटे में आएगी, 1.5 घंटे में आएगी। हाँ जी, जाओ नैना को ले आओ। कह देना पढ़ाने ले जा रहा हूं, ठीक है? जाओ। कुछ नहीं करूंगा मैं उसे, कोई दर्द नहीं होगा उसे। जा। जाओ। कहते हैं कोई वो मिक्सचर है तो वो देख जाओ। अरे अंधेरे में क्यों बैठे हो, लाइट क्यों नहीं जलाई? कहाँ हो? यहाँ बैठे हो क्या? कहाँ से मैं उसे संभाल लूंगा। ढीला अंदर जाओ, मंजू अंदर जाओ, मंजू अंदर जाओ, मंजू अंदर जाओ।
अच्छा किए, मच्छर बहुत है। तू कहाँ है? घर में है, पढ़ रहा है। पांच किलो आटा चाहिए। नया बाट लगाया है मास्टर जी, इतना बेहतरीन आटा पीस के दूंगा, मैदे की तरह आटा देख के दिल खुश हो जाएगा आपका। अच्छा, ये तेरे पास? सुनना जी, 2000 का छुट्टा है? नहीं है मास्टर जी। कहीं से करवा देना, देखता हूँ कहीं से। मास्टर जी खुले नहीं मिले, मास्टर जी खुले नहीं मिले। कल दे दीजिएगा पैसे, अभी ले जाइए आटा। नहीं, उधार नहीं, कल ही ले जाऊंगा। आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है और ग्वालियर के चार थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है।
जहां ग्वालियर के चार थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। भारत बंद के दौरान बवाल के बाद पासपोर्ट अरे टीवी में क्या मरे हो बंद क्यों किया? ये मेरा ब्रेकिंग न्यूज, मेरा पासपोर्ट, ये मेरा वीजा फॉर्म। प्राण जाए पर पासपोर्ट ना जाए। तो क्या करूं? तो मत करो कुछ, जल्दी से गुड्डू भैया को कॉल करो एंड आस्क हिम कि फॉर्म कैसे भरें। हैं, अंग्रेजों के सामने बेइज्जती नहीं होनी चाहिए अपनी। कलो 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 जल्दी जल्दी, कम ऑन हरी अप। हाँ देख लीजिए, आपने फॉर्म भरा ही होगा। रेफरेंस में गुड्डू भैया का ही नाम डाला है। देखिए सब ठीक है ना बराबर? दिल तोड़ दिया मेरा आपने। पासपोर्ट दे। ए, बस नहीं, अरे नहीं बस, अरे मैंने कहा ना थैंकिंग यू योर सेफली ही थैंकिंग यू। जब तक कार्यवाही पूरी ना हो जाए यहां से कोई बाहर नहीं जाएगा। जामे कुटुंब समाए, समझ रहे हो? आइए सर, आइए आइए। आप कौन? जी बीकेबी। पूरा नाम? ब्रिजेश कुमार बिट्टू। बैठिए। काम? काम बिजनेस है। बिजनेस काहे का? ब्रा पैंटी कच्चे बनियान, बहुत बड़ा बिजनेस है। कच्चे पांडे को जानते हो? हाँ जी। हाँ अच्छा अंकल जी, पांडे वही ना जो आपसे मिलने आते रहते हैं जी? हाँ जी, थोड़ा बहुत। परसों आया था यहाँ पर? परसों पता नहीं जी, परसों तो मैं था ही नहीं ना यहाँ पर, मैं था ही नहीं परसों रात को। कहाँ थे? मैं जी पार्टी कर रहा था यहाँ जगदम्बा बैंक्वेट में। आप पूछ लो, नंबर दूँ कंफर्म कर लेना आप। कंफर्म करना होगा, हम अपने आप कर लेंगे। जाओ। पांडे 3 दिन से लापता, फोन बंद है उसका, और सिग्नल के अनुसार लास्ट एरिया यही बता रहा है। आपके पास तो आता जाता रहता था, आखिरी बार आपकी कब मुलाकात हुई? उस रात आया था जब मैं सुबह आपके पास आया था। क्यों आया था? पैसे लेने। मैंने बताया था ना आपको कि पैसे, तो पैसे मैंने दे दिए ब्याज समेत। और उसके बाद? उसके अच्छा वैसे उसके बाद वो यहाँ शराब पिया फिर खत्म करके चला गया। अकेला आया था या कोई साथ में था? उस दिन अकेला आया था। मतलब? एक सहेली के साथ आता था, अलग अलग नाम बता के सहेली का, एक ही सहेली। देखिए मास्टर जी, आपके सामने पांडे ने फोन पे किसी से बात की, फोन पे किसी से झगड़ा किया, या कोई ऐसी बात जो आपको याद हो पांडे की? नहीं ऐसा। अरे मास्टर जी, आप ये मनोहर कहानी आप भी पढ़ते हैं? ये हमने पढ़ा नहीं है, आपने पढ़ लिया हो तो हम ले जाएंगे। हैं? फिर छूट जाएगा ये। और कौन रहता है घर पे? जी मेरे साथ मेरी पत्नी है, वाइफ। बुलाइए, बैठिए, आवाज देके बुलाइए। मंजू जी थोड़ी तबीयत खराब रहती है इनकी, ज्यादा। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। कुछ याद आए तो थाने में आकर बता दीजिएगा। जी समझ रहा हूँ।
घबराना नहीं चाहिए था आपको। पुलिस वालों को शक हो गया है, आपकी वजह से पकड़ा जा सकता हूं मैं। अब नहीं होगा, मैं होने भी नहीं दूंगा। सारी जिंदगी चुप रहने की कसम खाइए क्या? साथ नहीं देंगी हमारा? शंभुनाथ मिश्रा जी, वो पुलिस वाले बता रहे थे कि उस रात वो आप ही के साथ थे। जी मिश्रा जी, हमको पता है वो अच्छे आदमी नहीं हैं, लेकिन जैसे भी हैं मुन्नी के पापा हैं, ये रोज पूछती रहती है कि पापा कब आएंगे, हम क्या जवाब दें। आपसे विनती है अगर आपको कुछ भी पता हो तो हमारे साथ जो है सो है, लेकिन मुन्नी से बहुत लगाव है। भाभी, हम सबके पास जा रहे हैं जिन जिन से वो मिलते थे, आपको कुछ पता है? देखिए, हमें जो पता था पुलिस को बता दिया, और भी कोई जानकारी होगी तो हम देंगे। चलिए आइए। बहुत बड़ा पाप हो गया जी हमसे, बहुत बड़ा पाप हो गया हमसे। हमारी वजह से एक बच्ची का बाप छिन गया। उसे सजा देने का हमें कोई अधिकार नहीं था, हमने अपने भगवान पे भी भरोसा नहीं किया। बहुत बड़ा पाप हो गया जी, बहुत बड़ा पाप हो गया। हेलो डिटेक्टिव प्रेमचंद, इधर इधर। भैया किधर? इधर आओ। अरे आ भी जाओ, शर्मा रही हो। जी वो
एसपी साहब से मिलना था, शक्ति बाबू से। सीताराम गडरिया, टेम्परेरी थाना प्रभारी, देश बदल दूंगा जामे कुटुंब समाए। सिंह साहब गए हैं भोपाल, जाते रहते हैं वो। जब तक बैठने को ना कहा जाए बैठोगे नहीं? बैठो बैठो। अरे बैठो जी। और पानी पियोगे? जी नहीं। अच्छा छोड़ो। अरे हाँ, वो पांडे का कुछ पता चला? पता भी नहीं चलेगा। पता चलेगा भी नहीं? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे खुद ही मार दिए। खुद मार दिया चाकू से? जी चाकू से। फिर खत 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 करके काटा? हाँ। वाह गुरु, फिर जला दिया? वाह जुलाई अंक, मनोहर कहानियां, पेज नंबर 23। चंदन की भाभी के चक्कर में, और आखिरी लाइन, चंदन ने भैया की अस्थियों को हरिद्वार में बहा दिया और पुलिस उनका कुछ भी नहीं उखाड़ पाई। पीस डाला? पीस दिया? वाह गुरु, क्या कहानी घड़ी है जामे कुटुंब समाए। अरे मैं तो कहता हूँ लिखो कहानियां, लिखो कहानियां। झोले में प्याज नहीं और सराय में डेरा। देखो मास्टर जी, दफा फला के तहत फला सरकारी कर्मचारी को बरगलाने और उसका समय बर्बाद करने के चक्कर में फला आदमी को फला दिन की कैद हो गई थी जामे कुटुंब समाए। अब निकल लो मास्टर जी, नया अंक आने वाला है, वो पढ़ लो, समझ रहे हो? वरना जामे कुटुंब समाए सारी धाराएं अंदर डाल दूंगा। निकल लो अब चलो। मैंने सचमुच मारा उसको। अरे मेरे बाप। अरे हरिया जी, जरा मास्टर जी को सम्मान से ले जा बेटा। नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, नहीं मैं चला जाऊंगा। अबे तू भी बोल दे, तूने भी किसी को काटा फिर पीस दिया? तेरी तो जामे को। पुलिस स्टेशन गया था, इसलिए नहीं गया था कि हमने कोई पाप किया है, इसलिए गए थे कि आपको लगता है कि हमने कोई पाप किया है। दो मिनट बैठेंगी? दो चार महीने का ब्याज कम कर देंगे, मूल में भी 1-2 लाख कम कर देंगे, इस घर का भी ऊपर से कुछ दिलवा देंगे। आंटी तो आरती करने के लिए मंदिर जाती है ना, 1-1.5 घंटे घर खाली रहेगा। बस एक काम कर दो तुम, नैना को भेज दो थोड़ी देर के लिए। नहीं घबराओ मत, उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगा। शी, कैसे बातें कर रहे हैं आप? आया ना गुस्सा? मुझे भी आया था। आप भी मार देती उसको, हमने भी मार दिया। हमने हत्या नहीं की, हमने वध किया, वध।
अब किसी को पसंद हो ना पसंद हो, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया, बस। अब ज्यादा मत पीजिएगा, हम सोने जा रहे हैं। मुझे लगा तो बस मैंने कर दिया। क्या साहब, इतना फोन तो हमारी मेहरारू खो भी जाए ना तब भी ना लगाए। आप तो फालतू में दिल में लियो बैठे हैं। पैक कीजिए। साला जमीन निकल गई, आसमान खा गया। ये पांडे गया कहाँ यार, हैं? किसने मार तो नहीं दिया हराम खोर को? अरे मारने से याद आया साहब, कल हमने अपने लौंडे को बहुत पीटा। वो दिन रात एक ही गाता रहता है, वो अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, पढ़ाई नहीं करता। अरे हाँ साहब, पढ़ाई से याद आया, जामे कुटुम समय वो मास्टर आया था, पता क्या कह रहा था? कह रहा था उसी ने मारा पांडे को, काटा जलाया और अस्थियाँ पीस दिए। अरे बड़ा डाटा हमने उसे, हमने कहा निकल ले यहाँ से, सारी धाराएं लगा दूंगा। है, है? फालतू की मनोहर कहानियां। क्या हुआ? सही कह रहा था। अच्छा सुन, उसको बुला थाने में, उसका स्टेटमेंट ले। अपना टाइम है, चलाएगा इसका, पता नहीं कब आया इसका टाइम। कीजिए साइन। ये क्या है? स्टेटमेंट। किसका? कुछ ज्यादा नहीं, वही है जो आपने सीताराम को कहा था, वही लिखा है। हमने कुछ नहीं कहा था, जो कहा था इसने ही कहा था और इसने ही लिखा है। हम तो उस दिन बस इसको मनोहर कहानियां देने आए थे, वार्षिक अंक। बताओ। साइन कीजिए। वो क्या कहते हैं आपके भाषा में, एविडेंस लिस्ट? कोई लाश मिली, कोई मर्डर वेपन, या हमारी उंगलियों के निशान? साहब पांडे परिचित है मेरा, अगर उसके बारे में कुछ पता चले तो मुझे मुझे जरूर जानकारी दीजिएगा। इसकी माँ का मनोहर कहानियाँ। हेलो शंभुनाथ मिश्रा जी। जी हाँ। ऐसा करो 20 मिनट में अपने घर पहुँच जाओ, हम नीचे खड़े वेट कर रहे हैं। कौन बोल रहा है? अरे कौन बोल रहा है वो सब छोड़िए, जितना कहा उतना करिए, बस आ जाइए आप। हेलो। अरे हेलो हेलो छोड़िए। हेलो आप जल्दी आइए, नहीं तो हम ऊपर जा रहे हैं। कौन? अरे जल्दी चलो ना। किसी का ब्याज नहीं आया टाइम पे। चलो उनका ही कोई ठिकाना, लोडिंग डिपो के लिए 5 लाख रुपए लिया था 1.5 साल पहले,
आधा चुका दिया है लेकिन चार महीने से ब्याज ही देना बंद कर दिया, क्या करना है इसका दादा? हफ्ते भर में ब्याज ना दे तो लोडिंग उठा लो। जी दादा, चल निकलो। और दादा ये भी लश्कर चौक का, दादा ये दाना ओली वाले मिश्रा जी हैं। जी नमस्कार। पांडे ना पर्सनली हैंडल कर रहा था इनको। ये हैं शर्मा जी। हाँ हाँ जानता हूँ इनको मैं, नमस्ते। इन्होंने आपके घर का पूरा कर्जा चुका दिया है। लेकिन पांडे, पांडे हमारे लिए काम करता है। पांडे ने कभी बताया नहीं आपके लिए कुछ? क्या है ना कि उसको रखा इसलिए था कि लोगों को हमारे बारे में पता ना चले। क्या है लोग हमसे ना डरते बहुत हैं। लेकिन मैंने पांडे को अपने घर का पूरा पैसा दे दिया। पांडे मिल नहीं रहा है। एक काम कीजिए, पांडे को ले आइए, पांडे पैसा हमको दे देगा, आपका घर आपका, 3 दिन है आपके पास। लेकिन पूरी फैमिली है वहां, मैं कैसे? अगला बताइए जल्दी फटाफट से। ये मुरार वाला है काशीनाथ। अरे जाओ ना बे। दादा ये लक्ष्मी ट्रेडर्स वाला 10 लाख रुपए, इसका भी जो का सबका पांडे का सारा अकाउंट फटाफट कंप्लीट करो। जी दादा। चौंकिए मत, आपको तो पता ही हम क्यों हैं। वैसे तो मास्टर जी सीताराम को सब कुछ बता गए थे, पर वो अलग बात है कि पलट भी गए हैं। लेकिन फंस गए हैं वो, आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। आप उनको समझाइए कि हमारे साथ कॉपरेट करें। आपकी तो सुनते होंगे ना। देखिए हम आपकी प्रॉब्लम को जानते हैं, लेकिन मास्टर जी क्यों देवता समान इंसान के पीछे पड़ गए हैं? आप शर्म नहीं आती आपको? 40 साल से हम उनको जानते हैं, आज तक कभी उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, इस बार भी नहीं किया। वो इंस्पेक्टर मिला था मंदिर में, बहुत कोशिश किया पर हम घबराए नहीं। आप चिंता मत कीजिए। पांडे किसी राठौर के लिए काम करता था, बुलाया था उसने मुझे आज। कह रहा था 3 दिन के अंदर अगर पैसे नहीं दिए तो घर खाली करना पड़ेगा। कितने देने हैं? 10 लाख। मजाक बना कर रखा हुआ है। कहां से लाएंगे मां 10 लाख? आपको बताया था ना मैंने, अभी अभी घर लिया हमने यहाँ पे। बेटा अगर 3 दिन के अंदर तेरे पापा ने पैसे नहीं दिए तो हमारा घर चला जाएगा। आप लोगों का खत्म ही नहीं होता आप लोगों का, है ना? आज इतने पैसे चाहिए, कल उतने पैसे चाहिए, आज ये एक्सक्यूज। कभी घुटने कभी घर, क्या लगा रखा है आप लोगों ने? एरिका से बात करोगी? एरिका, एरिका, कितना हो गया टोटल? 330 रुपए। दो इनको और कह दो कि हमारा अकाउंट क्लोज कर दें।
अब नहीं आएंगे हम यहाँ। रोक दो भाई। अरे रुको रुको रुको। हाँ, आराम आराम आराम। बस ठीक है। चालीस। नमस्कार साहब। मिश्रा जी को कब से जानते हो? मुरैना से जब से आया, इस मोहल्ले में रिक्शा चलाते हैं, तभी से जानते हैं। 6-7 दिन पहले आंटी जी और मिश्रा जी को रात में लेके गए थे कहीं पर? हाँ साहब, 6-7 दिन पहले गए तो थे, लेकिन अकेले। कहाँ गए थे? अब वो तो सब हमको नहीं पता, लेकिन बस अड्डा छोड़ के आए थे। पांडे को जानते हो? पांडे को? कौन पांडे साहब? प्रजापति पांडे? नहीं। चलो बताओ शुरू से क्या हुआ था। अरे मास्टर जी, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? चलो बस स्टैंड चलो। 60 रुपए लगेंगे सामान के साथ। हाँ। कुछ अजीब सा बर्ताव लगा इस बार। क्या अजीब था? पहली बार जितना मांगे बिना झिकझिक किए दे दिए। आगे क्या हुआ? बस आगे क्या था, 2 बोरी लेके आए, कुछ चढ़ाए और निकल पड़े। बोरियों में क्या था? अब साहब बोरियों में क्या था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मिश्रा जी को लेकर 2 आदमियों का वजन था। तुम्हें कैसे पता? अरे साहब 15 साल हो गए रात दिन रिक्शा चलाते चलाते, पता तो लग ही जाता है इन टांगों को कि कितना वजन खींच रहे हैं। और कुछ? हाँ साहब, एक ATM पे रुके थे। कौन से ATM? वो साहब बस अड्डा के पहले पड़ाव के पास जो ATM है ना, वहीं रुके थे। सर सूटकेस में लाश ठिकाने लगाते हुए तो बहुत सुने हैं, जामे कोट में सवाई ये बोरे में ले जाते हुए पहली बार देख रहे हैं। हमारा मतलब ये है ना, इस फुटेज में कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा, पहले पंडित जी का रिमांड मिलेगा, फिर उनका कन्फेशन भी मिलेगा। इसको एविडेंस में मत डालना। हाँ, हाँ, हाँ। कल फुटेज देखा आपका ATM में, अच्छे लग रहे थे। चलो मुद्दे की बात करते हैं। पांडे का फोन कहाँ है? मुझे पांडे और पांडे के फोन के बारे में कोई जानकारी नहीं। देखिए सेवल में आया है, सीधी बात करते हैं। आपने पांडे को मार दिया हो, काट के फेंक दिया, बोरी में डालकर दफना दिया, हमें कुछ लेना देना नहीं है। बस आप अगर पांडे का फोन आपको पता है कहां है और आपके पास है तो हमें दे दीजिए। सिंह साहब मैं कह चुका हूं कि मुझे पांडे और पांडे के फोन के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। देखिए इतना एविडेंस तो हमारे पास है कि हम 7 दिन के लिए रिमांड में रख सकते हैं, और वहां गूंगे भी बोलते हैं। इस एपिसोड को इधर ही खत्म करते हैं हमें, बस उसका फोन दे दीजिए हमें। मुझे कोई जानकारी नहीं। कल मिलते हैं। यूनिफॉर्म
क्या बोला इंस्पेक्टर? क्या बोला इंस्पेक्टर? मोबाइल देखा है? मोबाइल 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 आप साथ नहीं लेके गए थे अपना मोबाइल? कहाँ रखे गए थे? वहां क्यों ढूंढ रहे? आप अपने साथ नहीं लेके गए थे? क्या ढूंढ रहे हैं मुझे तो बताइए ना भाई। क्या वहां वहां कहां ढूंढ रहे? अरे मुझे बताइए ना। मुझसे पूछ लीजिए क्या ढूंढ रहे हैं आप? आप अपना मोबाइल पहले अपनी जेब में देखिए। बंद कर लेना तो इसका चार्जर मिल जाएगा। चेक कर लीजिए। लग गया। अरे अंकल इसका 100 रुपये। अरे हाँ ठीक है। सब ठीक हो जाएगा।
सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ गया गुड्डू का? क्या ढूंढ रही हो तुम? गुड्डू का नंबर ढूंढ रही हो, कहाँ गया? डिलीट कर दिया मैंने। आपने डिलीट कर दिया? हाँ, हम मर जाएंगे ना तब भी नहीं बुलाना उसको। साइंस वाले टीचर का भतीजा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। चुप करके पड़े रहो, वैसे ही बीपी चढ़ा हुआ है। आजकल हर रोज मरने लग गए हो। खुजली होती है। कहाँ? तुम जाओ। क्या बात है मास्टर जी, आजकल आपकी लाइफ तो हमसे भी ज्यादा एक्साइटिंग हो रखी है। जो हम आपके साथ कल लॉकअप में करने वाले थे, आप तो पहले ही करवा लिए। दिया था आपको, दिया था चांस बचने का। मौका हमें नहीं, खुद को दे रहे थे बचने का। इस फोन के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम था, कल ही मिला है। स्कूल में हमने एक बच्चे को थप्पड़ मारा था, तो तीन दिन तक नींद ही नहीं आई। पांडे को पेचकस, यहां से घुसेड़ के यहां निकाल दिया। कोई फर्क नहीं पड़ा हमें। बारह साल की हुई है हमारी नैना भी। मतलब उसके बारे में कोई गलत कैसे सोच सकता है? 12 साल की बच्ची है अभी, और कोई सोचेगा तो मैं फिर मारूंगा, फिर मारूंगा, खत्म ही कर दूंगा। यही सब बताने आए थे आपके ऑफिस हम। अब हमको जो करना था हमने कर दिया। आप देख लीजिए आपको क्या करना। बेटा, चालीस साल से हम इनके साथ हैं, एक दिन के लिए भी अलग नहीं रहे। अगर ये जेल जाएंगे तो हम भी साथ जाएंगे। सबूत चाहिए, और हम आपको कुछ ऐसा बताते हैं जो सिर्फ हमें पता है। मैंने पहले भी कहा था, दोबारा कह रहा हूं, होटल ज्यादा सेफ है। वैसे भी तुम उनके सामने मुझे भाभी कह के बुलाते हो, भाभी का हालचाल पूछने तो आ ही सकते हो। हालचाल पूछ रहा और पूछता भी रहूंगा। विधायक जी आ गए तो वो मेरा हालचाल पूछेंगे, उसका क्या। दिल्ली से निकलने से पहले वो हमेशा मुझे फोन करते, वैसे 14 तक वो दिल्ली में ही है। फिर ठीक है, हम तो चाहते हैं कि अगला इलेक्शन भी वही जीते। परफॉर्मेंस जबरदस्त। विधायक को ऐसे वीडियोस बहुत पसंद है, भेज दो उनके पास।
हमें मालूम है किसी को संतुष्ट करना पुण्य का काम है। आप पुण्य कमाते जाइए, हमारे पापों के चक्कर में ना पड़िए। मास्टर जी, एसपी को फोन लगा, पकड़ इसको। एक सेकंड को बोल शादी के लड्डू ले आना, समझा? इंस्पेक्टर तू ले किधर है भाई? एक 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 मिनट ठंडा करूंगा। दादा तू ठीक नहीं कर रहा शक्ति सिंह, तू ठीक नहीं कर रहा। पता है मुझे, मैं ठीक नहीं कर रहा, मैं कभी करता ही नहीं ठीक। दो दिन से ज्यादा रख नहीं पाएगा तू मुझे, दो दिन से ज्यादा, दो दिन से ज्यादा। लिखो। जी साहब। सूचना मिली थी और राठौर के घर पे तफ्तीश की गई। प्रजापति पांडे के कपड़े और मर्डर वेपन बरामद किए गए। टिका के लिखो। दो दिन में छूटना बहन जी। गलेरिया साहब हैं, शंभुनाथ मिश्रा। नया अंक, पुलिस की वर्दी में डकैत। जामे कुटुंब समाई ये हुई ना बात, ज्ञानी को ज्ञानी ज्ञान देता है मास्टर जी। वाह, पढ़िएगा जरूर, 28वें पेज पे है, पुलिस की वर्दी में डकैत। इसकी मुआका डकैत। प्रणाम, शंभुनाथ मिश्रा, 2019। ब्याज पे ब्याज ले रहे थे आप, ये 10,000 जो मैं आपको यहां नहीं दे सकता, घर पहुंचवा दूंगा। अबे पागल है क्या तू? नहीं, काट के मार दिया था उसको, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे उसके। मास्टर तेरी माँ का मास्टर मारूं मैं? अबे इसने मारा है।
बना नहीं है अभी तक ये। बन रहा है। घंशु नैना सच। हाँ खुश रहो खुश रहो खुश रहो। बड़ी माँ कहाँ जा रहे हो आप लोग? जा रहे हैं कहीं। आसना ये बोलो। आज से ये घर नैना का और मेरी तुलसी को पानी देते रहिएगा, उसका ध्यान रखना।